नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी अच्छे होंगे। तो आज हम एक आम समस्या पे बात करने वाले हैं जो कबूतरों के बच्चों की समस्या है, और वो ये है कि कबूतर के बच्चे के पर क्यों खराब हो जाते हैं। वो खराब इसलिए होते हैं कि वो हमारी आपकी ही गलती होती है, क्योंकि जिसमें हम कबूतर से पेयर से ब्रीडिंग लेते हैं और जिसमें बच्चे रहते हैं उसमें जगह कम होने के कारण जब उनके माँ बाप उनको फीड कराते हैं और बच्चे बीट भी करते हैं, तो बीट गीली हो जाने के कारण जो है बच्चे उसी में रहते हैं और उनके पंख भीगते रहते हैं। भीगने की वजह से उनके पंखों का अच्छा से ग्रोथ भी नहीं हो पाता है और बच्चे के पर खराब हो जाते हैं। जैसे कि मैं अभी एक बच्चे को दिखाऊंगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो उसका जहाँ पे वो रहते थे वो गीली थी, इसलिए उसके पर में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है। तो चलिए मैं उस बच्चे को सॉक कराता हूँ। तो भाई वो बच्चा इसमें है, निकाल के देते हैं, हम दिखाते हैं। आओ। ये देखिए भाई, वो ये बच्चा है और इसके पर ये हैं, इधर देख लीजिए। और देखिए अच्छा दाना देने का फायदा, देखिए बच्चा कितना भयंकर ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए कितना बड़ा बच्चा है भाई, ये देखिए देख रहे हैं। और ये गीले में होने की वजह से जो है पर इसके थोड़ा सा खराब हो रहे थे, तो जहाँ पे ये रहता है मैंने वहाँ पे लाके सूखी हुई मिट्टी डाल दी, और मिट्टी मैंने ज़्यादा डाल दी है। मिट्टी उसमें मैंने ज़्यादा डाल दी है ताकि अगर वो बीट करते हैं तो मिट्टी जो है वो उनके बीट का पानी सारा सोख ले और वहाँ पर गीला ना रहे। तो ये जो बच्चा निकला है बिल्कुल अपने माँ बाप से हट के निकला है और बहुत तगड़ा तंदुरुस्त बच्चा निकला है। और ये देखिए भाई, तो एक ये भी नॉलेज मिलती है जब आप कोई चीज़ रखते हैं तो उसके बारे में धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है, और जैसी नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आप जो है कबूतरों की देख रेख में इजाफा करने लगेंगे। तो आप ये करिएगा, जहाँ पे आपके कबूतर के बच्चे रहते हैं वहाँ पर गीला मत होने दीजिए, नहीं तो उनके पर खराब हो जाएंगे। और जैसे कि इस बच्चे का है, अब मैंने मिट्टी डाल दी है, अब तो ऐसा कोई चांस नहीं लगता कि उनके पर और ख़राब होंगे। फिर भी अपनी तरफ से पूरी देख रेख करिए, और इसको वहीं पे छोड़ देते हैं, वहीं पे चला गया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे कबूतरों को या उनके कबूतर बच्चों के बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। तो आप ये सब ज़रूर वॉच करते रहिए, हफ्ते में एक आध बार उनको चेक करते रहिए कि कोई बीमार नहीं है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आज चेक किया तो ऐसी दिक्कत है, तो मैंने उसमें फट से मिट्टी ला के दे दिया, तो हमने वो चीज़ वहीं पे रोक दी। अगर ये कुछ दिन के बाद मैंने चेक किया होता तो शायद बच्चे के पर ख़राब हो जाते। तो आपके लिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेटवर्क तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।